हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इसके बाद छात्रा की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। छात्रा का शव गांव से बाहर खेत में मिलने पर हड़कंप मच गया। छात्रा के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, वही छात्रा का पूरा शरीर लहूलुहान हुआ पड़ा था। उसके बाद हमने कहा लड़की के माँ बाप को बुला ले, तो हम लड़की के माँ बाप माँ को बुलाने गए। इतनी देर में वहाँ से लाग उठाई और खाने लेकर पीलीभीत फॉरेंसिक लैब पहुँचा दिया गया, मोर्चरी पहुँचा दिया गया। तो उसकी लाश जो बिक्षिण अवस्था में ली, उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था, मुँह से भी खून निकल रहा, मुँह में कपड़ा ठुसा हुआ था और उसका जो है चुन्नी से गला में फंदा लगा कर उसकी हत्या, उसके साथ बलात्कार गैंग रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। और पुलिस वालों ने बिना कोई जांच करे, बिना कोई टीम बुलाए वहाँ से लाश को उठा के परिवार वालों को देखने भी नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने लाश वहाँ पहुँचा दी। मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के भरतखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में कक्षा 12 में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा शनिवार सुबह 7:45 बजे घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन वह कोचिंग नहीं पहुंची और ना ही कोचिंग के बाद स्कूल पहुंची। जब शाम 5:30 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। परिवार के लोगों ने पहले सहेलियों और शिक्षकों से पूछताछ की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चल सका तो रात 9 बजे पुलिस को सूचना दी। लड़की के गुमशुदा होने की खबर पाकर पुलिस ने भी तुरंत ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। रात करीब 11 बजे गांव के बाहर नहर के किनारे गन्ने के खेत में नग्न अवस्था में छात्रा का शव मिला। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, वहीं प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके शरीर और मुंह पर भी कई चोटें आई थी। छात्रा का स्कूल बैग, साइकिल और छात्रा के जूते पास में ही पड़े थे। वहीं शव के पास में ही बियर की 4 बोतलें, नमकीन का खाली पैकेट और अधजली सिगरेट भी पड़ी थी। पिता की ओर से अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की बात कही गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं छात्रा के प्रेमी सचिन को पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के कई और युवकों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही छात्रा के हत्यारों को पकड़ लेगी। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। गांव वालों का कहना है कि इस तरह की दरिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीलीभीत, यू न्यूज़, यूपी।